जय हिंद, नमस्कार। देश में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई से अग्निपथ के माध्यम से वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर वो हजारों युवा जिनका आर्मी एग्जाम पेंडिंग है, एयरफोर्स के वो युवा जिनका रिजल्ट रोका हुआ है, एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना बाकी है, वो सभी युवा आज भी निराश और हताश हैं। लेकिन अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक आस है कि न्यायालय से शायद उन्हें न्याय मिल सकता है, उन्हें उनका हक मिल सकता है। क्योंकि जनाब, 4-5 साल तक सेना भर्ती की कड़ी मेहनत करके फिजिकल मेडिकल पास होकर एग्ज़ाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इसमें कुछ युवा तो ऐसे भी शामिल हैं जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और उनका फिजिकल 100 नंबर का है। यानी ऐसे में इन युवाओं को तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग ही दी जानी बाकी थी। लेकिन अफसोस कि सरकार ने इन हजारों युवाओं के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हुए इस एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया। वहीं एयरफोर्स में युवाओं का रिजल्ट जारी होना बाकी था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना बाकी थी, लेकिन इस भर्ती को भी सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए रद्द कर दिया है। लेकिन आखिर में घूम फिरकर सवाल वही उठता है कि आखिर अब इन युवाओं के साथ क्या होगा? क्या इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा? क्या एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन भर्ती को पूरा किया जाएगा? क्या कोर्ट का फैसला युवाओं के पक्ष में होगा? क्या कई बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके युवा इस बार फिर से सत्याग्रह में शामिल होंगे? क्या सत्याग्रह करने से कोई फायदा मिलने वाला है? ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो इन युवाओं के मन में चल रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज एक एक कर इन सवालों पर ही कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है कि इन युवाओं का एग्ज़ाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, एयरफोर्स की भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, या उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक की इस केस स्टडी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है, वकीलों का जो दावा है वो यही है कि अभी तक जो मामला है वो युवाओं के पक्ष में है और युवाओं के पक्ष में ही जाने की उम्मीदें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी ना भूलें कि सरकार भी पूरी तरह इसकी तैयारी में है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका भी पक्ष कमज़ोर पड़े। इसलिए इस बात पर अभी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता कि फैसला युवाओं के पक्ष में ही होगा। अब बात आती है सत्याग्रह की। यहाँ पर देखिए, प्रमुख रूप से 3 मांगों को उठाया जाएगा, जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स का रिजल्ट व एनरोलमेंट लिस्ट जारी करवाए जाने और टेक्निकल ट्रेडमैन व क्लर्क वाले युवाओं के लिए आयु सीमा पहले बैच के लिए 23 से बढ़ाकर 25 साल किए जाने की मांग को उठाया जाएगा। अग्निपथ योजना वापसी को लेकर सत्याग्रह शुरू होने के बाद वहां पर क्या माहौल बनता है उसे देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह युवाओं के कहने पर रविंदर फौजी उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ देने के लिए आगे आए हैं, तो क्या युवा उन्हें उतना सपोर्ट दे पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अकेला व्यक्ति भले ही कोई भी क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जरूरत है तो आप सभी युवाओं के सपोर्ट की जरूरत है, आप सभी युवाओं के संगठित होने की जरूरत है। क्योंकि खुद रविंदर जी भी इस बात को कह रहे थे कि जितना सपोर्ट उन्हें मिलने की उम्मीद थी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी युवा इस बात पर ध्यान दें और सभी दूसरे युवाओं को भी इसके लिए जागरूक करें कि वो सपोर्ट करें, वो संगठित रहें। और देखिए, फिर से जो ये आंदोलन अब किया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक स्थान पर युवाओं को एकत्रित कर भीड़ दिखानी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सत्याग्रह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि युवाओं की जो जायज मांगे हैं उन पर सरकार फिर से विचार करे और कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इन युवाओं की इन विशेष मांगों पर ध्यान रखा जाए, ध्यान में रखकर ही सुनवाई की जाए। इसलिए रविंदर जी ने साफ कह दिया है कि उन युवाओं की सत्याग्रह में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो हो हल्ला या किसी गलत काम को करने का विचार मन में रखते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं की मांगों को लेकर कुछ इवेंट किए जाएंगे, युवाओं की जायज मांगों को उठाया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही एक मीटिंग भी हो सकती है जिसमें कुछ लोगों की टीम बनाकर सत्याग्रह के आगे की रणनीति व अन्य तैयारियों पर भी फाइनल रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बारे में जो भी और अधिक जानकारी होगी वो आपको रविंदर जी बता देंगे। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हमारी कैप्टन अतुल सर व रविंदर भाई फौजी से भी काफ़ी देर फोन पर चर्चा हुई है, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस हुआ है और जल्द ही इसकी जो पूरी तैयारी है वो भी कर ली जाएगी और आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक
सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।